कट गया था। जी हाँ, वो बात तो अब नहीं याद अब आ रही, मगर और भी बातें थी हैं बहरहाल जो मैंने करनी है। हाँ अच्छा, क्यों? अच्छा बहरहाल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है, चुप चुप हो जाओ। कोई एक तो कोई कहीं अल्लाह कहते हैं फहाशी छुपाओ, जब गलत जैसे हो रहा है, कोई अफेयर चल रहा है या गलत गलाजतें तुम कर रहे हो, कभी जुल्म मजलूम को नहीं कहा कि चुप रहो कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है। छुपाओ, इसके अलावा भी जो जुल्म हुए हैं तो वो तुम जुल्म जाहिर कर सकती हो, लेकिन बकायदा फोरम पे जाके जाहिर होना होता है जुल्म, है जिसके लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है कि ये जुल्म मुझ पे हुआ, उसका मुदावा कीजिए। बाकी ये कुरान और हदीस और आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वो तो यही था कि जो इस किस्म की बातें उसको ने इग्नोर किया और लोगों को भी कहा जो केस आए भी उनको कहा खत्म करो, सिवाय इसके कि दोनों फरीक तस्लीम करने वाले हों। अब अगर एक एक फरीक फिर कहता है कि हुआ नहीं वो नहीं, मगर मैंने जो सबूत दे दिए हैं वो तो क्लियर कट हैं, आप माने या ना माने। सबूत की बात नहीं है, आन सलम ने ये नहीं कहा था कि सबूत क्या है, आन सलम ने फरमाया कि दूसरा तस्लीम करता है, उसने कहा मैं तस्लीम नहीं करता, आन सलम ने उसके ऊपर आगे फिर कोई पेशकश नहीं की, तो इसमें तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता कि वो नहीं, जुल्म कि जो मैंने आपको आयतें भेज दी हैं, अल्लाह अल्लाह ये कहते हैं कि जब जुल्म हो, ज्यादती हो, तो इंसाफ के लिए, चाहे तुमने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी हो तो गवाही दो। सवाल ये है, जुल्म हो गुलाम हो दवाई देनी हो किसी का हक मारा जा रहा हो, लेकिन साथ ये भी है कि माँ बाप के खिलाफ मारा जा रहा, 36 साल मेरे नहीं मारे गए, बहुत अच्छा हुआ ना जो मेरे साथ हुआ है। मारा गया, तुमने 36 साल सवाल नहीं उठाया हाँ जो तुम्हें उठाना चाहिए था, नहीं, उठाया तो ठीक है, यही गलती है ना मेरी। पे ये जो बात है ना हाँ इस बात के ऊपर तो गवाही चाहिए होती है जो शरीयत गवाही चाहती है। नहीं जी नहीं, अल इस्लाम पे है, मैंने इस्लाम पे निकाल दिया। हाँ, तो फिर आप अपनी वेबसाइट ठीक करें। हाँ चाहे वो मर्द हो या औरत, या अगर इस्लाम में है तो मर्द है, मेरे पास हदीसें मौजूद है, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर दूसरा फरीक तस्लीम नहीं करता ना, तो चार के बाद चाहिए, अडल्ट्री में, रेप में नहीं चाहिए। पहली बात ये कि वो उस बात में चार गवाह है, ठीक है, अडल्ट्री में। ठीक है, चार गवाह है, चार गवाह ये है, अडल्ट्री नहीं है, ये रेप है। बात हो गई रेप की। अगर एक शरीक ये कहता है कि मैंने रेप किया, अगर एक मर्द तस्लीम से एक आदमी आया आंसर के पास, उसने तस्लीम किया कि मैंने रेप किया है औरत को, आंसर ने पूछा औरत से पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर इसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो सवाल ये है नहीं, औरत ने सबूत पेश किए थे, और सबूत पेश किए थे। नहीं ना, गवाहियां आती हैं जब सबूत नहीं होते, मैंने सबूत पेश किए हैं। हाँ शरीयत है जो मुझे पता है वो तो यही है कि दो तरह की सूरतें होती हैं, एक ये कि चार गवाह लाए जाएं, तीन तरह की सूरतें होती अडल्ट्री में, अडल्ट्री में, रेप में नहीं, कि चार गवाह लाए जाएं, अडल्ट्री या में। तीन हाँ जल्दी हो या रेप हो, कोई दो तरह सूरत नहीं होती है। नहीं ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, रेप मैं में। तो ज्यादा जानती हूँ मेरे से हाँ शरीयत के बारे में, नहीं, मैंने कहा मुझे पता है कि कुरान में सिर्फ अडल्ट्री में कहते हैं। फिर अपनी वेबसाइट ठीक करें, फिर क्या ये गलत बातें हैं अपने। हाँ बाद में कुरान का हवाला आपको कल भेज दूंगी। सुन लो ना, पहले तो अपनी ना बोली हो, मैंने शुरू कर देती हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें तीन सूरतें होती हैं, एक चार गवाह लाने की,
एक सूरत है, एक दुनिया भी एक सूरत है, अच्छा ठीक है ठीक है। मगर मैंने जो सबूत पेश कर चुकी हूँ उसमें 12 लघवियात साबित हो रही है। आप तो कह रहे हैं मैंने लघवियात भी नहीं औरतों से हटाना। मैं जानता हूं उसमें ये है, बाकी सेहत के लिए भी दुआओं की जरूरत है। अच्छा ठीक है, जो मैं खैर इसको नहीं आपसे एग्री कर रही, ठीक है वो मैं आपको सारी मैं नहीं आपको नहीं, क्रान पे लिखा हुआ क्रान, मैं क्रान ऊपर आता है आपसे। मैं भी सुन्नत और हदीस पे भी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा रेप को एक तरफ करें, इन जो गुफ्तगू हुए ईमेल्स और व्हाट्सएप चैट वो लखफिया तो क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट साबित हो रहे। आपने कहा वो समझा रहा था आप, और आपने एक बचकाना वाली बात मान ली। हाँ नहीं, मुझे वो बताएं आपका जो लफंगा जो है साला उस, वो तो कह रहे मैं समझा रहा था। वैसे फिर अल्लाह रहम ही करे, मैं ये बस कह सकती हूँ। ठीक है हाँ, बहरहाल वो आप ब्रिटिश हुकूमत के सुप्रीम हेड नहीं है, ब्रिटिश कोर्ट कोई नहीं मानेगी, कोई अदालत नहीं मानेगी कि इसमें लफ्जियात नहीं है। हाँ 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 मुझे नहीं पता हुआ कि नहीं, अगर हुआ भी था तो वो लोग अब मुताद हो गए कि तोबा टाइप कर ली होगी। नहीं, मैंने नहीं छोड़ना ये, आप सुन ले मेरे से, मैंने किसी हाल और किसी सूरत में मैंने नहीं छोड़ना। तो आपकी नसीहत गलत है, इस्लाम के खिलाफ जाती है। दोबारा मैं जराऊंगी, मैं निदा हूं चचा मोदी नहीं हूं, आपने बैत से निकालना तो आप निकालें। नहीं क्योंकि मुझे लगता है खुद फंसे हुए हैं, मुझे नहीं पता आप क्यों फंसे हुए हैं, और मैं आपके लिए मुस्तकिल बिल्कुल लग रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं फॉर सम रीजन। फिर नहीं खुदा का नहीं, अगर मैं साहब फंसे ना होते आप ये बातें ना कर रहे होते, ये आपको जेब भी नहीं दे रही हजरत साहब ये बातें। नहीं, मैं बैठ में मैं नहीं, वो मेरा वो आप मेरे पे वो नहीं कर सकते जबरदस्ती, वो मैंने फैसला करना, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। हाँ मेजर, मेरे सारे चॉइसेस मेरे सामने हैं, और जब ये मेरे से जाने वाला हफिंगटन पोस्ट में काम करते हैं, ये जब दुनिया में खुलेगा सारा मामला फिर आप हैंडल कर लेना जो भी हैंडल करना होगा आपने। क्या हाँ, फिर क्या होगा? नहीं जी, ये आपके दिल के बुलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बिल्कुल नहीं, ये आपकी खुशफहमी है, ये आपकी खुशफहमी है। नहीं मैंने मेरी मुझे भाग जाने दी सर।
ये लोग तो अब भुगते हैं अपनी सजाएं, चाहे उसमें मैं खुद मुझे हाथ लगा के। तो ठीक है, देखेंगे, ठीक है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि मेरे मेरे अंदर क्या स्पेशल, मैंने तो आपको खत में लिखा है कि जो आपके पैरों के नीचे मिट्टी है, मैं तो उसके बराबर ही नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं दावा किया हजरत साहब के मैं स्पेशल हूँ। आपने इस लफंगे को खुदा बनाया है, जो सारी जमात को आपने दाव पे लगाई हुई है इस लफंगे के खातिर। हाँ काबल नहीं है वो आदमी, वो दरिंदा। सेक्सुअल नहीं, नहीं, वो मैं मेरे नाजर है, मैं उनके अंडर आती हूँ। सेक्सुअल हरेसमेंट तो हो रही है। बशर वाली बात पे यकीन किया और आपने कहा मैं यकीन कर रहा हूं, आपने नहीं नहीं सुने, एक सेकंड, एक सेकंड नहीं। हाँ तो सवाल नहीं, अच्छा उसका भी मैं जवाब देती हूँ। आपने इन्वेस्टिगेशन तब क्यों शुरू किया है जब ये जो खोता है आपका साला वो एंट्री उसने मांग है, वो आपने उस वक्त इन्वेस्टिगेशन शुरू किया 3 मार्च को जब मैंने आपको बताया इंसाफ का तकाजा वो बनता था, ये नहीं बनता था जब आपका खाद दाव पे लगा हुआ है इस वक्त। तो फिर नहीं, फिर एक्टिंग हो रही है क्या? आप रो रहे हैं, आप कह रहे हैं तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, तुम ये हो रहे हैं, तो फिर आप दोगला बन कर रहे हैं। बस मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, जैसे आप अपनी गलत मर्जियां कर रहे हैं, मेरी मर्जी, मैं नहीं आपकी बहस से निकलूंगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं निकलूं और आप ये लड़की निकली है मेरी बहस से, ये मैं आपको। हाँ जी, मुझे बैत का मतलब पता है, अलीजेंस लेना किसी का, अलीजेंस देना अपना। इधर तो काफी कुछ बेचा हुआ है, इधर जो एक अंजर खाना खुला हुआ है हाथे खास में, वो तो एक रेड जोन एरिया खुला हुआ है। हाँ, आमिर लगा हुआ है, डॉक्टर मुबशर लगे हुए हैं, महमूद शाह लगा हुआ है, पूरा रेड लाइट एरिया बना हुआ है हाथे खास। आमिर भाई तो मैं कई दफा बात बता चुकी हूँ, क्या कहूँ, क्लियर कट बात नहीं कर रही हूँ, उनको इरेक्शन नहीं हुई तो मैं भागी उधर से। हाँ तो वो सिस्टम नहीं, जब हुआ जल काम तो मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी कि या शुक्र खरा के नफल पड़े, या इस दफा तुमने मुझे बचा दिया। मैंने तो नहीं पेश किया, तुमने खुद मुझे, किसने, मैंने कब कहा कि मैंने आमिर भाई को पेश किया? मुझे एक दफा बता, मेरा ये जुमला था। मैंने कब कहा था कि मैंने
देगा नहीं, वो तो इस काबिल ही नहीं कि ताल्लुक कायम कर सके, क्या कर सके? वो इस काबिल नहीं है कि ताल्लुक कायम कर सके। तुमने मुझे बताया था पिछली को, मैंने ये, क्योंकि मुझे ये, मैं इरेक्शन का लफ्ज नहीं यूज करना चाहती थी, इतना शर्म हया मेरे अंदर है कि खलीफा वक्त के सामने किस जुमले बोलने। मैं वो उन्होंने मुझे एक तरफ अपने घर लेके गए, कोशिश की, नहीं वो कुदरती तौर पे कामयाब हुई और मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी। रिसर्च करें, मेरी थेरेपिस्ट, हर कोई साइकोलॉजिस्ट कहेगा कि हर विक्टिम का एक अपना रिस्पांस होता है। मेरा रिस्पांस है कि मैं फ्री, हाँ मैं डॉक्टर की करी, मैं थेरेपिस्ट की करी, जो आपने खुद, आपने मेरा जिस इलाज शुरू किया और वो टॉप की थेरेपिस्ट है और वो कह रही है तुम ऐसी विक्टिम हो जो तुम फ्रीज कर लेती थी, तुम अपनी हिफाजत ही नहीं। 1 साल का बच्चा मोलेस्ट हो रहा है और फिर 8 साल की उम्र, नहीं नहीं मुझे नहीं, मुझे 1 सेकेंड, ठीक है, हाँ। वापिस मैंने बता दिया। अभी मुझे हसब इस वक्त आप, मुझे पता समझ नहीं आ रही कि मैं एडुकेटेड आदमी से बात कर रही हूँ या क्या, कि 1 साल का बच्चा किसी के चुंगल में है, 8 साल से रेप हो रहा है, कई हफ्ते में कई मरतबा हो रहे, मैं माउफ हो चुकी थी, मैं आपको लिख चुकी हूँ कि मैं इतनी माउफ थी कि कभी मैंने अपने लिए दुआ तक नहीं की थी। हाँ वो पिंजरा टूटे या कम आज को जब आखिरी दफा इस आदमी ने मेरे से खुशी छीन की कोशिश की, फिर मैं वो फटी हूं जैसे उल्टी आती। मैंने 2-3 खतों में लिखा है मुझे उस दिन उल्टी आई है। अगर मैंने, अगर ये प्री प्लान होता तो मैंने बाबा, हाँ नहीं, इनको सजाएं नहीं बनती, ये आप कह रहे हैं कि सजाएं नहीं बनती आपके नजदीक। अच्छा फिर ब्रिटिश कोर्ट फैसला करेगी किसने वो किया जुर्म और जो किसने नहीं किया, ठीक है, और आपके भी सारे जो आपने भी बातें की हैं वो भी आके आएंगी। बस नहीं, बस ठीक है, बस ठीक है हसब, आप खुद ये पर नहीं, आप खुद इस मामला इस तरफ लेके जा रहे हैं और आपको पता है मेरा व्हाट्सएप पे भी वैसे मैसेज वायरल कर हो गया है और सारी दुनिया मेरी साइड ले रही है, सारे कह रहे हैं कि ये लड़की ठीक बोल रही है, कम अज कम कोई तो बोले। ना 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 नहीं, सारे तंग है इस निजाम से, ये जो छूटा मुनाफों वाला निजाम है, ठीक है, वो सारे तंग है। चाहते नहीं प्यारे हुजूर, आप इतनी मायूम मासूम इस वक्त आप मुझे लग रहे खोल रहे हैं कि आपको लग रहे हैं कि नहीं, जो मुखलिस एंडी है नहीं, बिल्कुल क्यों, आप कौन होते हैं, नहीं सारे मुखलिस वो सारे बेजार हो चुके हैं कि रेप हो, ये हो, फलाना हो, मेजरमेंट पे अखराज हो रहे, रोटी पे अखराज हो रहे, मगर रेप पे नहीं हो रहा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हाँ ठीक है, फिर देखी जाएगी, फिर जब वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं जाऊंगी फिर रिएक्शन देखते हैं और फिर जिसने भी भुगतना है वो भुगते। ठीक है तो फिर उसके सबूत के जमाती निजाम जो तुम्हारे, मैं कुछ नहीं करूंगा, जमाती निजाम अपने कवायद के जो तुम्हारे करेगा वो मैं फिर उसको कहूंगा, ठीक है जो मर्जी करना चाहते हो करो। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो आपने करने, मुझे कोई, मैं सिर्फ अल्लाह का खौफ रख रही हूँ उस वक्त, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। नहीं, इनको क्यों नहीं कहते, इन लफंगों को क्यों नहीं कहता है कि लफंगे तुमने क्यों ये बातें की हैं? आपके आपके कंधों पे चढ़ के वो औरतों को रेप कर रहे हैं, आपने इतनी ताकत दी है, ये कुछ नहीं था बाकी जिंदगी में, वो गोबर से भी बदतर था, आपने इस आदमी को ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि अब आप भी उसके सामने कांप रहे हैं। अच्छा,
हाँ, ये तो नहीं कि एक टेरर की हुई है रबा में और वो जो मर्जी करे। अब अत्तरपाल का लोग ये नहीं कहते कि अत्तरपाल को मर्डर करवाया है, जो उस मामा जी के साथ अफेयर चल रहा था। क्या बातें, मैं बताऊं, मेरा मुंह ना खुलवाए इस वक्त। क्या अब आम बातें करती हैं आप इसको प्रोटेक्ट करने अपनी बीवी की वजह से बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, और ये भी मैंने कहना है कि आपके पास मैंने गई थी चाचा बना के। मैं गई थी एज अ खलीफा वक्त, आपका कोई राइट नहीं था खाली सबूत को बताना, कोई राइट नहीं था। अब बाबा वाली बात, बाबा वाली बात, आप, मैंने पूछा था आपको कि आपने खाली सबूत या चाचा फूरी को बताया है, आपने कहा हाँ सबूत को मैंने बता दिया, फूरी को नहीं बताया। फूरी का क्यों तुम पूछ रही हो? क्या चीज सवाल यही बाबा वाला मामला से पहले से 10 साल भी वो पता था, क्या? 10 साल भी वो पता था उससे पहले मामला। नहीं, ना, मैंने पूछा था कि आपने बताया खाला सबूई को और आपने कहा था हाँ। ठीक है, वो तो मेरा राइट था बताना, मेरा राज। आपको क्या राइट था खाला सबूई को बताना? बता दिया था ठीक है, वो मत, इट वॉज माई सीक्रेट टू टेल, नॉट योर सीक्रेट। ये बिसाइड्स द पॉइंट है। खबर पहुंच चुकी थी, नहीं पहुंच चुकी थी, आपने क्यों बताया? नहीं, आपका बिल्कुल राइट नहीं है खलीफा वक्त। आप, मैं मिर्जा मसरूर अहमद के पास नहीं गई थी, मैं खलीफतुल मसीह खामिस अहदा ताला बिन नसर अजीज के पास गई थी। नहीं, आपकी गलत, हम जब बैत करते हैं जो कह रहे हैं बेचने वाली बात, हम कहते हैं हम आपका मारूफ हुक्म मानेंगे, ये मारूफ नहीं है। हाँ, वो ठीक है, वो अल्लाह डिसाइड करेगा। हाँ, नहीं फिर नहीं, पर्दे रखे। हाँ, तो अब इस वक्त अल्लाह की तकदीर चल रही है, आप क्यों, मैं आज ही नमाज में नमाज पढ़ी थी कि या अल्लाह खुदा ताला हजरत साहब की आंखें खोले, इस आदमी को बचा दे अगर खुद नहीं बचना चाहता। हाँ, नहीं, और आप एक दूसरा, अगर आपको लगता है मैं गलत कर रही हूँ तो फिर आप इतने मुझे चुप क्यों करवा रहे हैं? फिर रिलैक्स करें, फिर लानत आएगी मेरे पे। नहीं, इज्जत ये किसी, सारे हंस रहे हैं इस पे, हंस रहे हैं इस पे, कहना कि इसमें इज्जत है, आपका तमस्कर हो रहा है। नहीं, चांद नहीं लोगे, दुनिया हंसेगी आप पे। हाँ, आप, मेरे नाना ने आपको एक चीज मुकम्मल तौर पे पकड़ाई थी। हाँ, आप अगर उसको तबाह करने में तुले हुए हैं, ये आपका फर्स्ट फैसला है। हाँ, जो भी जो नीचे चली जा रहे हैं पकड़ाया, तो वो जो आखिरी जो जो आदमी था वो मेरे नाना थे, ठीक है, उन्होंने एक मुकम्मल तौर पे चीज पकड़ाई है जो आप उसको तोड़ने में तुले हुए हैं। और हर खलीफा में नहीं सभी के कोई कोई ना कोई बात होती है, कोई ये चीज नहीं, और अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो आप क्यों, आपने बाबा के वक्त क्यों नहीं पूछा उस वक्त मुझे सवाल? इन्वेस्टिगेशन ये नहीं होता कि एक तरफा खामोशी से इन्वेस्टिगेशन चलता है, पुलिस स्टेशन जाओ तो दोनों पार्टीज को पता होता है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नहीं जी, नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का तरीका गलत है, रूल्स के खिलाफ जाता है। हाँ, तो आप गलत करनी, हाँ, वो सिंपल सी बात है। हाँ, और आपने
आपने, और दूसरी बात यह है कि आप, मैंने कभी एक दफा नहीं कहा था कि मेरे फादर फिगर बने, आप खुद ने, आपने उस स्टेप पे आए थे, आपने अम्मी को कहा था वो मेरा बच्चा है, मैं मेरे बच्चे को कैसे छोड़ती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा था कि आप मेरे बाप बने, ना वैसे अब मुझे कोई शौक भी रहा है। मेरे लिए फख्र की बात यही है कि मिर्जा, मैं मिर्जा ताहिर अहमद की नवासी हूँ। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी हाँ अच्छी बात है, सबसे हाँ अच्छी बात कौन सी हो सकती है। हाँ तुमने, हाँ तुम्हारी मम्मी ने, खुद कहा था मुझे कि निजार होती है, कहती है मुझे छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्योंकि उस वक्त मुझे प्यार था आपसे। अब मेरा को सारे लोग जो आप बातें कर चुके हैं, आप मेरी नजरों से कट चुके हैं। तुम्हारे अपने कौन थे, तुमने यही कहा था, इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हें बच्चों की तरह हो, यही तो मैं कहता रहा हूँ। हाँ तो नहीं, हाँ, मगर आप जो एक अमल में आप यही आप कह रहे थे, आपने उस्मान को कहा है कि निदा को किसी किस्म की अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो उसके ऊपर गुजर चुकी है। ठीक है, आपका रवैया बिल्कुल और था शुरू में, अब गप्पन को ना मारें। हाँ, आपके खतों में साबित होते। और दूसरा, मैं ये सीधा आपके मुंह में एक कह रही हूँ, फाते दारी युसरा को हाथ में अगर आई तो आप उसको माफ करें, जो आप कह रहे हैं बाबा ने शायद माफी मांगी हो। माशाल्लाह, आप कह रहे हैं कि मैंने जब मजाक का मैंने पूछा, आपने कहा कि वो शायद उसने अल्लाह से माफी मांगी हो, तुम्हें क्या पता। तो एक आदमी मर्डर कमिट कर ले, युसरा को कत्ल कर ले, आप कहेंगे ओ सॉरी, हाँ ठीक है, उसे गलती होगी। बात ये नहीं है, हाँ तुम्हारे जो मामला है ना, हाँ तो देखो जो हालात सामने आए, हाँ मैंने कहा है पॉसिबिलिटी देखी जाती है, ये भी हो सकता है, ये भी होता है, इम्कान अच्छा, होते हैं। अगर आप बाबा, आपने 3 मार्च को अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, खुदा की कसम खाए मेरे पास। मैं क्यों काम कर सकता हूँ, एग्जैक्टली, बस यही आपकी गप बकरी जा रही है इसमें ना। हाँ, नहीं, इन्वेस्टिगेशन आपने इस लफंगे के वक्त शुरू की है। इनको साबित करो और उसके गलत है, ये है वो है, जो जो तुमने मेरी बातें की थी उसके ऊपर पहला एक खत मैंने मार्च में उसको लिख दिया था, या फोन पे मैंने बताया था कि तुम्हारे पे इल्जाम है। पिछली दफा आपने कहा कि मैंने उसको खत लिखा, अभी उसका जवाब ही नहीं आया। आपकी किसी बात पे कंसिस्टेंसी ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद खत लिखा और खत का जवाब भी आ गया। नहीं, कब आपने खत लिखा था पहली दफा? नहीं, पहली दफा तो उसी को जब तुमने पीछे की सुनने आया था, उसको मैंने कह दिया था बड़ा घरौना इंसान तुम्हारे पे है, मुझे प्लीज बात करो। उसने कहा ये अलग ये बात है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। नहीं, जो दुनिया के असूल है उसके मुताबिक करनी है। हाँ, तो फिर आपके असूल बड़े नाइंसाफ हैं, साफ सी बात है। ठीक है, और मेरी मर्जी। हाँ, बस जैसे आप अपनी मर्जियां करें, क्योंकि मैं ये आपको नहीं दूंगी बहाना कि इस लड़की ने मुझे छोड़े, मैंने नहीं इसको छोड़ा, छोड़ेंगे आप। मैंने आपको खत में लिखा है, क्योंकि मैं आपकी वेल विशर हूं, मैं आपके लिए अच्छा चाहती हूँ। आप माने ना माने, मुझे कोई जरूरत नहीं साबित करने के लिए, मुझे पता है मैं क्या दुआएं कर रही हूँ आजकल। ठीक है, मेरी दुआ यही है, सुन ले मेरी दुआ भी सुन ले। मैं अल्लाह को कह रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ, अगर ये निदानी है, बेवकूफी है, मेरी ना अकली है, तो मुझे रोक ले, मेरे होंठ सीधे जैसे 28 फरवरी तक सीधे हुए थे, फिर रोक पैदा कर ले। हाँ ठीक और है, मगर जितनी मैं दुआ करती हूँ उतना मेरा मैं इतना मेरा मतलब तसल्ली मुझे होती है। और दूसरा, ये भी कोई तरीका नहीं है, ये जो आपने कस्में कर ली है, कस्में एक वो, क्योंकि एक तो मुल्क फर्क है, तो जूम में होनी चाहिए मेरे नजदीक, और उनका एक गवाह होना चाहिए, मेरा गवाह होना चाहिए। और आप तो ये आपने क्यों ये तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल किया? नहीं, इसका जवाब दें मुझे, अल्लाह को जवाब तो देते हैं। हाँ, तो आपको आपको
खुदा को हजर नजर रख के हजरत साहब कहें कि आप जो इस वक्त कर रहे हैं वो आपको लगता है सही कर रहे हैं। अस्तग़फ़ुर्रल्लाह साहब, ये ज़ेब इसे रोने का दिल चाह रहे आपके लिए कि ये ज़ेब नहीं देती आपको बातें। दूसरी बात ये है कि मतलब जब ये जो आप कह रहे थे, एक और ये बात है कि आप कह रहे थे तुम्हारे मशीर कौन है, ये भी पसंद नहीं आप मेरे पास कर रहे थे कि तुम तुम्हारे आप कह रहे थे तुमको मशवरे दे रहा है कोई, ठीक है ठीक है। और मैं जे ये क्या, ये किस किस्म की बदसानियां, कभी आप कह रहे थे टाइपिंग कर रही हो, खुद मुझे उस कुछ महीनों पहले डांट रहे थे कि बदसानी ना करो, तो खुद क्यों कर रहे हैं? अपने असूल, अपने लिए असूल और दूसरों के लिए। और हाँ, और आपके तो भी मशवरे जो भी है माफिया है जो चल रही है वो शायद आप उससे डर रहे हो, मुझे कतन डर नहीं है उन लोगों से। वो चाहे मुझे मारते आप हिटमैन हायर कर लें और कत्ल कर लें, मुझे कोई गर्ज नहीं है इससे, मैं नहीं डरूंगी, मैं सिर्फ अल्लाह से डर रही हूँ इस वक्त। हाँ, और बस एक में मैं देख रही हूँ मेरी पॉइंट साथ साथ एक मिनट। हाँ, एक ये भी पॉइंट है मेरा कि चचा रफी अब्बा और दादा के भाई थे और हजरत मुस्लिम माऊद आपके जो नाना थे उनके बेटे थे, मगर इन दोनों भाइयों ने इंसाफ का तकाजा किया था चचा के बारे में। तो आप तो, और हाँ ये भी जो आपने एक मैसेज का जिक्र किया था कि मैंने वो इस पागल आदमी महमूद शाह को जो लिखा था और मैंने कहा मैं हिकमत कर रही थी, तो फिर अगर आप कह रहे थे कि आप 200 पाउंड बाबा को भेज रहे हैं वो आप हिकमत कर रहे हैं, तो मैं नहीं हिकमत कर सकती कि मुझे डर लग रहा था, मुझे मैं एक टैक्टफुली एक मैसेज कर रही थी अपनी तरफ से, टैक्टफुली एक मैसेज कर रही थी, हिकमत कर रही थी अपनी तरफ से अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपने तो इस आदमी को जो एक कंजर खाना खोला हुआ है इधर, ठीक है, वो तो ताकतें आपने दी हैं उसको और सारा आम अहमदी ये कह रहे आम अहमदी, ये आप पता है जिस बबल में आप रहने, अल्लाह मैं तो यही दुआ कर रही हूँ अल्लाह आपकी आंखें खोल दे। हाँ हाँ, क्योंकि आप मुझे नहीं पता आपने इस आदमी को खुदा क्यों बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब्बा की जिंदगी में वो कुछ नहीं था, वो जीरो था, वो मेरी जूती के नोक पे भी नहीं था, वैसे तो अभी भी नहीं मेरी जूती के नोक पे, ठीक है, आपने उसको बड़ी स्टेटस दिया हुआ है और मैंने एविडेंस दे दिया है, वो आप माने ना माने वो एविडेंस कॉन्क्रीट है कि ये लफियात बातें वो कर रहे हैं, चाहे मैंने इनिशिएट किया। और आपको एक 70 साल के आप हजरत साहब एक तजुर्बा मतलब वाले आदमी है, खिलाफत को एक तरफ करें, ठीक नहीं, आपको है कि मेरा घर बच जाए, अब अपने घर पे एक तलवार लटकी हुई है ना, ये आपको असर हाँ, तो ये इसी आप दूसरों को बुली करते हैं कि चुप रहो चुप रहो, और मिजनिया बुली करेंगे, हाँ आप तो बुली है। मैं तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूं। फिर आपकी नेकी पे अल्लाह रहम करे अगर ये नेकी है, हाँ ठीक है। और दूसरी बात ये है कि नहीं, हाँ वापस इन्वेस्टिगेशन पे, बाबा को लिखना कि खनोन ने जो भी आपने वर्ड यूज किया है वो इल्जाम लगाए हैं, दैट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, दैट्स नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। मुझे खुदा की कसम खाएं कि जब बाबा की बात आई शुरू थी आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, खुदा की कसम खाए। चचम बशर को कब सवाल किया है? चचम बशर को नहीं 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 नहीं, तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है जब ये लफंगा बीच में आया है। तो
आगे बात चलाता है। तो आपने एक ओफल्ला विस्से हजरत साहब, आपने एक दफा मुझे नहीं पूछा मेरे एविडेंस, मैं कह रही हूँ खतों में एविडेंस है एविडेंस है, फिर भी नहीं पूछे, फिर मैंने आपके ऊपर ठोसे हैं मेरे एविडेंस। दूसरी बात ये है कि फाशी अगर दबरी थी तो दबरे देना चाहिए थी। नहीं, और दूसरी नहीं, दूसरी बात आपने कहा था कि निदा में एक लफ्ज नहीं तुम्हारे खिलाफ सुनने में नहीं चाहिए, ये सारे दावे जो थे वो किधर चले गए, फपरे थे। अच्छा हाँ, नहीं इसके फपरे थे, फपर अपनी आपकी तरफ से। हाँ, जो एक लड़की के साथ जो जुल्म हो चुके, जो बाप कर रहा था वो जो कर रहा था, माँ ने भी नहीं हिफाजत की, और जिसको वैसे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और फिर आप उसको ऐसे थक्के मार रहे हैं, ये आपको बहुत फख्र हो रहा है इस बात पे मेरे साथ ये सलूक करके? आपकी जमीर जमीर आपको ये इजाजत दे रही है कि मजलूम के साथ आप ये कर रहे हैं? साहब मुझे नहीं पता आप क्यों फंसे हुए हैं किस चुंगल में, मगर मैं बहुत शिद्दत से आपके लिए दुआ करूंगी। नहीं नहीं, मैं मेरे हकूक के लिए फाइट कर रही हूँ, वो मेरा हक है, जो वो आप भी नहीं छीन सकते, जो अल्लाह ने मुझे हक दिया है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी दिया है, कानून ने दी है, और दीन ने मुझे दिया है, वो आप मेरे हाथों से नहीं छीन सकते। और अगर आप चाहते हैं कि मैं खामोश हूं तो मुझे गिच्ची से पकड़ें और गन लें और मेरी कन पट्टी पे मार दें। हाँ, क्योंकि ये नहीं, मगर यही होता है, या दुबई में सेटअप दे देते हैं लोगों को उजमा बाजी की तरह, या ऐसे चुप करवा दें, जैसे मैं आपको नहीं पता आप किसको किससे अंडर एस्टिमेट मुझे कर रहे हैं। हाँ, मैं किसी सूरत पे आपका काम, जिस गद्दी में आप बैठे हुए हैं आपका काम है उसमें इंसाफ दिलाना। हाँ, और चचा बशर के वो जो सारे वो, अच्छा दूसरी बात ये है कि इतनी सख्ती आप डंडे लगा रहे हो, जिसको डंडा उसको डंडा, मुझे धमकियां दे दी गर्मियों में, मैंने कहा ट्विटर का मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करना, मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना, तो आपने कहा था अगर तुम अपना वक्फ काम में रखना चाहती हो तो कर लो सोशल मीडिया अकाउंट, वरना नहीं। बाबा जो फोंकी जा रहे हैं, फोंकी जा रहे हैं ट्विटर पे, उनको क्यों नहीं डंडा मारते? नहीं आप, देखिए एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई है, जब मैंने ये पहले जिक्र किया था आपने कहा था मैं सारों को कह चुका हूँ, वो मेरी बात नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? अब एक और इनकंसिस्टेंसी आ गई, अब कम से कम कंसिस्टेंट तो रहे हजरत साहब। हाँ, और दूसरी बात है कि आप कह रहे थे ये जो बचपन के अपोस्ट्रफीज कोर्ट एंड कोर्ट, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जब कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही होती है, इतना तो लीगैलिटीज मुझे भी पता है कि प्रोसिक्यूशन को विटनेस लिस्ट दिया जाता है और डिफेंस को विटनेस लिस्ट दिया जाता है, तो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि कौन मेरे बारे में कौन बोल रहा है? नहीं, कौन है वो बचपन के दोस्त? हाँ एग्जैक्टली, कि अब तो आप ये केस फेयरली चला रहे ही नहीं है, कोई दुनिया में नहीं मानेगा, प्लीज अपनी इज्जत बचाएं हजरत साहब। हाँ अच्छा, बहरहाल ये ऐसे नहीं होते, विटनेस लिस्ट दिए जाते हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन जो आप चला रहे हैं, जो महमूद खोता शाह जो है उसके वजह से जो आप चेंज हुए हैं, आप एक बंदे की वजह से आपने सारी जमात हमारे 130 साल का मेहनत दाव पे लगाया है, क्यों दाव पे लगाया है? हजरत मुसमात, हाँ ये जो मुझे उस वक्त पिछली दफा भी चाँद को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, हजरत मुसमात अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पैगाम क़यामत तक है, अगर जमात तकवे की राहों पे रहे तो बच जाएगा, वरना नहीं बचेगा, फिर अल्लाह जमात को भी खत्म कर लेगी, पैगाम मेरा क़यामत तक रहेगा। तो अभी पेश हुई पूरी हो रही है नहाई छुपी हुई बात वाली। हाँ हाँ, तो इस वक्त एज वी स्पीक ये
में जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है हजरत मुसा अलैहिस्सलाम की 1907 की पेशगोई पूरी हो रही है इस वक्त, क्यों? अगर इससे नहाई छुपी हुई बात है हजरत साहब, तो फिर उफ, मैं कहती हूँ क्या मता की हमारे ऊपर उस सलाम का। आपके नजदीक उस सलाम के क्या मतलब है? भेजा था ना, भेजा था ना, मैंने आपको भेजा था हाँ, नहाई छुपी हुई बात। नहीं, फिर इससे इससे क्या नवाब मोहम्मद अली खान और हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम की औलाद में क्या है और नहाई छुपी हुई बात? क्या छुपी हुई बात है फिर, इससे भी ज्यादा छुपी हुई? अच्छा ठीक है। बाल और वो जो मैंने हदीस भेजी थी कि मैं अपनी जात का कसम खाता हूँ अंदर के लोग अब उठ रहे हैं, ये कोई मैं कैसे आपको आपको कैसे आपको कोई हमदर्दी है मेरे साथ? हाँ अंदर के लोग, मैं सच के लिए खातिर मैं जंग लड़ रही हूँ इस वक्त एक अकेली लड़की, मैं मुनाफ़त नहीं कर सकती। नहीं 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 उस हदीस में लिखा है कि अंदर ये जो जो बैरिया बने हुए हैं, जो भी वुल्स कन के आते हैं और बड़े मीठे बने होते हैं, फिर अंदर के लोग उठेंगे उनको जाहिर करने के लिए। हाँ तो जाहिर जाहिर शुरू हो गया। दूसरा आप ये अच्छा, आपने चचा फूरी से कोई बात की है, कन्फ्रंट किए उनके जो फ्लर्टेशंस थे बड़े मुनासिब किस्म के? कोई नहीं किया फिर, ये किस ये ठीक है वो, मगर उनकी बातें थी काफी गलत। हाँ हाँ मगर ठीक है ठीक है, वो तो मैं वैसे ही क्वेश्चन था ठीक है। बहरहाल जो चचम बशर ने कुछ जवाब दिया आपको? अभी पहुंची नहीं, पैदल जा रहे? अच्छा, और बाबा ने कोई जवाब दिया? बाबा ने जवाब दिया, बाबा हर बात का जनाई करता है, जनाई करते हैं। और आपने बिलीव कर लिया? मैं बिलीव नहीं करता, मैं तो उसकी सुनवाई पे रहता हूँ जो हदीस में मुझे नजर आएगी। नहीं मगर अच्छा ठीक है, मगर वो चाहे सही हो या गलत हो, झूठी गवाही तो उसके साथ ना उसका हो उसके साथ। और छुट्टी के बाद जो इन ये लोग भी ले चुके हैं जो नानते हैं, वो भी उनके आगे आएंगी इंशाल्लाह। हाँ मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई हुई, ये जो आप इतने घबराए हुए, आप इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आपको पता है निदा सच बोल रही हो और ये सारे लफंगों ने मेरे कमर में छुरियां मार दी हैं, बेवफाई कर ली है मेरे साथ। हाँ और नहीं तो बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना, बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना जिसपे वो खौंक रहे हैं इस वक्त, सारा वक्त ट्विटर पे जो बाबा बोली जाते हैं और कुछ चुप ही नहीं करवा रहा। नहीं मुझे तो पिछली दफा कहा था कि मैंने सबको कहा है, वो मान रहा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मुझे ना धमकियां दिया करें, फिर इंसाफ से धमकियां दिया करें। नहीं अस्तग़फ़ुल्लाह, ट्विटर पे मैंने क्लोज किया हुआ है मेरा अकाउंट, मैंने मेरा इंस्टाग्राम क्लोज कर लिया था, खुदा का खौफ करे हजरत साहब ये इतना बड़ा झूठ बोला है। व्हाट्सएप पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं? नहीं 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 नहीं, आपने व्हाट्सएप का नाम नहीं यूज किया था ना, नहीं गलत बात। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू।